अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी रिसेंटली एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी लिंक्डइन के ऊपर। उस पर लिखा था कि हाउ कैन यू मेजर योर सक्सेस इन योर लाइफ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आपका जॉब टाइटल क्या है, लाइक आप कंट्री मैनेजर हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप CEO हैं, जनरल मैनेजर हैं, और आपकी सैलरी क्या है, लाइक 6 figure या 7 figure या whatever। सो उससे आपकी सक्सेस का अंदाज़ा लगाया जाता है। बेशक आपकी लाइफ की क्वालिटी की बहुत सारी चीज़ें आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, बट वो ऐसी जॉब्स भी होती हैं जिसमें जॉब टाइटल और आपकी सैलरी अच्छी होती है लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता, आप अपनी फिज़िकल हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते, आप क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पाते, आप के पास फ्री टाइम नहीं होता। तो हमेशा जॉब टाइटल और सैलरी की नज़र से ही किसी की लाइफ में उसकी सक्सेस को मेजर नहीं करते। अदर थिंग्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी सोशल लाइफ, आपकी जो फैमिली लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपका फ्री टाइम, आप क्या वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, या आप जो काम कर रहे हैं क्या उसको पसंद करते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या आपकी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो रही है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे होने चाहिए बस। सो ठीक है, उनके लिए अगर ये चीज़ है तो वो भी ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं इम्पॉर्टेंट। सो वर्क लाइफ बैलेंस और एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए सिर्फ जॉब टाइटल और सैलरी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है, उनको भी आप ज़रूर फोकस करें। अगर आप उन लोगों में हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि आप अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को इंक्लूड कर पाएँ। मिसाल के तौर पर कुछ कोर्सेज कर लें, किताब पढ़ लें, एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें जहाँ आपसे ज़्यादा शौर रखने वाले पढ़े लिखे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हों, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएं जहाँ आप कुछ चैरिटी कर सकें, कुछ सोशल सर्विस कर सकें, आप दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, आप डिफरेंट कल्चर देख सकते हैं, वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है, आप अपनी फैमिली को दुनिया घुमा सकते हैं, आप एक अच्छी जगह पे मूव कर सकते हैं फैमिली के साथ जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ अवेलेबल हों, जहाँ पे अच्छी तालीम दे सकें। सो सिर्फ और सिर्फ जॉब टाइटल और सैलरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आपकी, साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी, फ्री टाइम आपके पास है नहीं है, आप कितना ऑक्यूपाइड है, उसके साथ साथ आप क्या वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है या नहीं। तो ये सब चीज़ें भी है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।